हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे द स्टोरी ऑफ माय लाइफ के चैप्टर नंबर 13 to 18। तो चैप्टर नंबर 13 में हमें बताया जाता है कि 1890 में मिसेस लैमसन, जो लारा ब्रिजमैन की टीचर हुआ करती थी, वो हेलन से मिलने आई। मिसेस लैमसन अभी अपनी विजिट से वापस आई थी नॉर्वे की और स्वीडन की। उन्होंने हेलन को बताया एक लड़की के बारे में जिसका नाम रागनहेड काटा था। वो डेफ एंड ब्लाइंड थी नॉर्वे में, लेकिन उसने बोलना सीख लिया था। तो हेलन ने भी उस दिन ये पक्का इरादा कर लिया कि वो भी बोलना सीखेगी। इस पर्पस के लिए जो मिस सुलिवन उसकी टीचर थी, वो उसको लेकर गई मिस सारा फुलर के पास, जो प्रिंसिपल थी हॉर्समैन स्कूल की। तो हेलन ये कहती है कि वो बहुत ही स्वीट नेचर लेडी थी जिसने मुझे पढ़ाना शुरू किया, और हमने 26 मार्च को 1890 में अपने लेसन स्टार्ट कर दिए। जो मिस फुलर थी, वो हेलेन को लिप रीडिंग सिस्टम से पढ़ाया करती थी। इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, वो हेलेन को फील करवाती थी पोजीशन अपने लिप्स की और अपने टंग की, जब कभी भी वो कोई साउंड करती थी। जो हेलेन थी, उसको नकल करना पड़ता था, इमिटेट करना पड़ता था उस पोजीशंस का जो किसके द्वारा बनाई जाती थी, मिस फुलर के द्वारा। आफ्टर फ्यू लेसन, कुछ लेसन के बाद जो हेलन थी वो बोलना सीख गई। जो मिस फुलर थी, उसने उसे सिखाया बोलना, वर्ड एंड सेंटेंसेस, वर्ड और सेंटेंसेस बोलने सिखाए लिप रीडिंग सिस्टम से। हालांकि ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस था, हेलन ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की और बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस भी कर ली। हेलन का जो फर्स्ट कनेक्टेड सेंटेंस था, जो उसने बोला था खुद, वो सेंटेंस था इट इज वार्म। तो हेलन ये कहती है कि कोई भी जो डेफ चाइल्ड होता है, वो कभी भी भूल नहीं सकता उस एक्साइटमेंट को और उस खुशी को जब वो पहला अपना वर्ड खुद बोलता है। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वो एक जेल से बाहर आ जाता है, और वो जेल कौन सा होता है, साइलेंस का। हेलन कहती है कि उसकी टीचर का जीनियस था, ना थकने वाला साहस था और डिवोशन था कि वो इतनी प्रोग्रेस कर पाई अपनी नेचुरल स्पीच में। हेलन को हालांकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, लेकिन जब कभी भी वो डिस्करेज हो जाती थी, तो वो ऐसा सोचती थी कि थोड़े ही टाइम में वह कहां होगी, अपने लव्ड वंस के पास होगी, अपने घर में होगी, और वो उनको दिखाएगी कि मैंने क्या अचीव किया है। हेलन के पास ऐसे विचार होते थे, वो ऐसा सोचती थी कि जो मेरी सिस्टर है अब मुझे समझेगी, माय लिटिल सिस्टर विल अंडरस्टैंड मी, और ये सोचती थी आई एम नॉट डम नाउ। ऐसे विचारों को लाकर वो अपने आप को इंस्पायर किया करती थी और एनकरेज किया करती थी। वो ये सोचकर हैरान होती थी ये कितना आसान होता है किसी को बात कर समझाना, उससे कितना आसान होता है कि जब हम फिंगर पर स्पेल करते हैं उसमें काफी मुश्किल होती है, और बात करके समझाना कितना इजी होता है। वो ये कहती हैं कि जो मैनुअल अल्फाबेट्स होते हैं, वो कॉमन लोगों को क्या कर देते हैं, पजल कर देते हैं। फाइनली जब हेलन बोलना सीख गई, तो अब उससे इंतजार नहीं होता था, वो घर जाना चाहती थी और उनको दिखाना चाहती थी। वो कहती है जब मैं टस्कम्बिया अपने घर गई, तो उसकी मदर ने उसे गले से लगा लिया, और उसकी मदर कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो कांप रही थी खुशी के साथ, और जो उसकी सिस्टर मिल्डर थी, उसने उसके हाथ को किस किया और वो डांस करने लगी, और उसके जो फादर थे, उसने अपने गर्व को कैसे दिखाया और अपने प्यार को कैसे दिखाया, एक बिग साइलेंस के साथ, चुप्पी के साथ। तो यहां पर जो लेसन नंबर 13 है वो एंड होता है। तो चैप्टर नंबर 14, जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें हमें हेलन बताती हैं कि कैसे 11 साल की एज में वो एक पब्लिक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गई थी। इन 1892 में हेलन ने एक स्टोरी लिखी जिसका टाइटल था द फ्रॉस्ट किंग। उसने जब ये स्टोरी लिखी, वो घर पर ही थी उस समय, वो बोलना सीख चुकी थी। जिस दौरान वो फन क्वेरी में थे, तो मिस सुलिवन ने उसे डिस्क्राइब किया था सुंदरता के बारे में, जो बेमौसमी फूल और पत्ते होते हैं उनकी सुंदरता के बारे में। जब मिस सुलिवन ने उसको डिस्क्राइब किया, तो इससे क्या हुआ, उसकी जो कोई मेमोरी थी पुरानी एक स्टोरी की, वो रिवाइव्ड हो गई। किसी ने उसको ये स्टोरी कभी पढ़कर सुनाई होगी। हेलन के माइंड में वो स्टोरी, उसके अनकॉन्शियस माइंड में वो स्टोरी रह गई। हेलन ने सोचा कि वो खुद स्टोरी बना रही है, तो वो लिखने के लिए बैठ गई, कहीं उसके माइंड से आइडिया स्लिप नहीं कर जाए।
और जब वो स्टोरी फिनिश हो गई तो हेलेन ने वो स्टोरी अपनी फैमिली को पढ़कर सुनाई। जो उसकी फैमिली मेंबर थे वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए कि हेलेन इतना अच्छा लिख सकती है। ये सोचकर किसी ने उससे पूछा, क्या उसने ये स्टोरी किसी बुक में पढ़ी है? तो इससे जो हेलेन थी वो बड़ी सरप्राइज हो गई। उसने कहा कि ये स्टोरी मुझे किसी ने भी पढ़कर नहीं सुनाई। उसने कहा कि ये स्टोरी उसने खुद ही लिखी है, और किसके लिए स्टोरी लिखी है? मिस्टर एनग्नोस के लिए लिखी है, जो परकिन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे। हेलेन ने वो स्टोरी भेजी मिस्टर एनग्नोस को उनके बर्थडे पर। उसने अपनी स्टोरी को जो टाइटल था वो क्या दिया? ऑटम लीव्स। लेकिन जो मिस सुलिवन उसकी टीचर थी, उसने सजेस्ट किया कि तुम्हें स्टोरी को क्या टाइटल देना चाहिए, तुम्हें टाइटल फ्रॉस्ट किंग देना चाहिए। हेलेन वो स्टोरी खुद लेकर गई पोस्ट ऑफिस में, और वो बहुत ही खुश थी कि मैं गिफ्ट दे रही हूं, बर्थडे गिफ्ट मिस्टर एनग्नोस को। जो मिस्टर एनग्नोस थे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए उस स्टोरी को पढ़कर। उनको स्टोरी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने उस स्टोरी को पब्लिश करवा दिया परकिन इंस्टीट्यूशन की एक रिपोर्ट में। हेलेन की जो खुशी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई कि मेरी लिखी हुई स्टोरी रिपोर्ट में प्रिंट हुई है। लेकिन जल्दी ये बात पता चली कि वो स्टोरी बिल्कुल सिमिलर थी। जो फ्रॉस्ट किंग थी वो किस स्टोरी से सिमिलर थी? फ्रॉस्ट फेरीज से, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? मार्गेट टी कैनबी के द्वारा लिखी गई थी, जो पहले से ही पब्लिश हो चुकी थी एक बुक में, और उस बुक का नाम था बर्डी एंड हिज फ्रेंड्स। जो दो स्टोरीज थी वो बिल्कुल एक जैसी थी, थॉट में भी और लैंग्वेज में भी। सो ये बात बिल्कुल क्लियर लग रही थी, जो मिस कैनबी थी, जो मिस कैनबी की स्टोरी थी वो किसी ने हेलेन को पढ़कर सुनाई थी। उस समय ये बहुत ही मुश्किल था हेलेन को ये बात समझाना, लेकिन जब उसे समझ में आया तो वो बड़ी हैरान हुई, और उसको दुख भी बहुत हुआ। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। हेलेन ने सोचा, बहुत ज्यादा सोच सोच कर वो थक गई कि ये स्टोरी मुझे किसने पढ़कर सुनाई थी, लेकिन उसे याद नहीं आया। तो उसके बाद जब हेलेन परकिन इंस्टीट्यूशन में गई वाशिंगटन के बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए, तो जो मिस्टर एनग्नोस थे वो बड़े ही दयालु थे उसके प्रति, हेलेन के प्रति। हालांकि वो बड़े ट्रबल थे, परेशान थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो हेलेन पर विश्वास कर रहे थे। तो सेलिब्रेशन से एक रात पहले एक टीचर ने, परकिन इंस्टीट्यूशन के एक टीचर ने हेलेन से एक क्वेश्चन पूछ लिया जो किससे जुड़ा हुआ था, फ्रॉस्ट किंग से। हेलेन ने उसे बताया कि जो मिस सुलिवन थी उन्होंने मेरे से बात की थी जैक फ्रॉस्ट के बारे में और उसके वंडरफुल वर्क्स के बारे में। तो हेलेन को यह बात समझ में नहीं आई कि टीचर को कैसे ही विश्वास हो गया कि हेलेन को यह स्टोरी पहले से याद थी। ये बात सुनकर मिस कैनबी की स्टोरी जो फ्रॉस्ट फेरीज थी वो हेलेन को पहले से याद थी। जो मिस्टर एनग्नोस थे, जो हेलेन को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उनको ऐसा लगा कि जैसे उनको धोखा दिया गया है। तो जब हेलेन उनसे प्रार्थना करती रही तो उन्होंने हेलेन की बातें नहीं सुनी। अब उनको ये विश्वास हो गया था कि जो मिस सुलिवन और हेलेन है ना, उन्होंने जानबूझकर डेलिब्रेटली किसी और के आइडिया को चुराया है, दूसरे राइटर के, और एक स्टोरी बनाई है अपनी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए। हेलेन को लाया गया कोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के सामने, और जो कोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन था उसमें क्या थे, टीचर्स थे और ऑफिसर्स थे इंस्टीट्यूशन के। जो मिस सुलिवन थी उनको कह दिया गया कि आप यहां से रूम से चली जाएं और हेलेन को अकेली छोड़ दें। हेलेन को क्वेश्चन पूछे गए, क्रॉस क्वेश्चन पूछे गए। हेलेन को ऐसा लग रहा था कि मानो हर जज ये चाहता था कि मैं मान लूं कि जो फ्रॉस्ट फेरीज है उसको पहले पढ़कर सुनाई गई थी। उसे हर क्वेश्चन में डाउट और सस्पिशन नजर आ रहा था। वो जो जज उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे वो उस समय उनके सामने कुछ भी बोल नहीं पाई, ज्यादा नहीं बोल पाई। जब उसे अलाउ कर दिया गया, परमिशन दे दी गई रूम छोड़ने की, तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान थी, स्तब्ध थी, परेशान थी। उसने नोटिस ही नहीं किया जो मिस सुलिवन थी और उसके जो फ्रेंड थे वो उसको कह रहे थे कि तुम बहुत ब्रेव गर्ल हो और हमें तुम पर गर्व है। उस रात हेलेन जब अपने बेड पे सोई तो वो बहुत रोई। वो सोच रही थी कि वो सुबह होने से पहले मर ही जाए, और ये जो विचार था उसे बहुत ज्यादा आराम दे रहा था।
और उसकी जो टीचर मिस सलीवन थी उसने कभी भी ये स्टोरी नहीं सुनी थी द फ्रॉस्ट फेरीज, ना ही उनको इस बुक के बारे में पता था कि ये बुक कभी पब्लिश हुई है जिसमें ये स्टोरी थी। तो उसने डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राम बेल से कहा, मिस सलीवन ने, कि हमारी हेल्प करें वो इस मैटर में। तो जो ग्राम बेल जो थे उन्होंने हेल्प की उनकी इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने में, और आखिरकार ये पता चला कि जो मिसेस सोफिया सी हॉपकिंस थी उनके पास एक कॉपी थी इस बुक की, जिस बुक का नाम था बर्डी एंड इस फ्रेंड, जो किसके द्वारा लिखी गई थी, मिस कैनबी के द्वारा। उनके पास एक कॉपी थी 1888 में, उसी साल जिस साल हेलन और मिस सुलिवान ने अपनी गर्मियां बिताई थी मिसेस हॉपकिंस के साथ ब्रूस्टर में। मिसेस हॉपकिन वॉज अनेबल टू फाइंड हर कॉपी, अब उन्हें अपनी कॉपी नहीं मिल रही थी उस बुक की, लेकिन उन्होंने हेलन को बताया कि उस समय मेरे पास थी और मैंने तुम्हें अम्यूज करने की कोशिश की थी कई बुक से स्टोरी पढ़कर, और उस समय सुलिवन तुम्हारे साथ नहीं थी क्योंकि वो वेकेशन पे गई हुई थी। हालांकि उनको ये याद नहीं था कि उन्होंने फ्रॉस्ट फेरीज की कहानी उस बुक में से, बर्डी एंड हिज फ्रेंड में से पढ़कर उसे सुनाई थी या नहीं। उन्होंने आगे बताया मिस सुलिवन को कि अपना घर बदलने से पहले, जब उसने पुराना घर बेचा था उससे पहले उसने अपनी काफी सारी बुक को डिस्पोज ऑफ कर दिया था, बेच दी थी, और शायद जो बर्डी एंड हिज फ्रेंड है उन्हीं में से ही एक बुक थी। और जब मिस सुलिवन अपनी छुट्टियों से वापस आई थी तो हेलन ने उनको इस बारे में नहीं बताया था, फ्रॉस्ट फेरीज के बारे में। वो शायद इसलिए नहीं बता पाई थी क्योंकि जो मिस सुलिवन थी उन्होंने एकदम पढ़ना शुरू कर दिया था दूसरी बुक, जिस बुक का नाम था लिटिल लॉर्ड फॉन्टलेरॉय। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये जो मिस कैनबी की स्टोरी थी वो कभी ना कभी हेलन को पढ़कर सुनाई गई थी, और काफी टाइम बाद वो स्टोरी को भूल गई थी, और नेचुरली उसको ये बात, ये स्टोरी एकदम याद आ गई। उस टफ टाइम में हेलन ने कई हेलन को कई मैसेज मिले प्यार के, सिंपैथी के, अपने फ्रेंड से, लेकिन एक से उसको कोई मैसेज नहीं मिला जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वो थे मिस्टर एनेग्नोस, और वो कहती हैं मैंने उनको खो दिया था। लेकिन जो ऑथर था फ्रॉस्ट फेरीज का, उसने हेलन को एक लेटर लिखा जो बहुत ही एनकरेजिंग था। उस लेटर में उन्होंने अपने इस विश्वास को बताया और कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि हेलन खुद अपनी एक स्टोरी लिखेगी और जो कई लोगों को आराम देगी। और ये जो उनकी स्टेटमेंट थी बाद में सही भी साबित हुई जब हेलन की ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माय लाइफ पब्लिश हुई यूनाइटेड स्टेट में 1903 में। लेकिन उस समय हेलन कहती हैं वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उनमें हिम्मत नहीं होती थी कि वो वर्ड्स के साथ प्ले कर सकें प्लेजर के लिए या किसी गेम के लिए। कई टाइम तक, कितने टाइम तक वो टॉर्चर रही इस फियर से कि जो कुछ भी वो लिख रही हैं क्या उसका अपनी सोच है या वो नहीं है। इनफैक्ट क्या हुआ, ये जो एक्सपीरियंस था हेलन के लिए अच्छा ही साबित हुआ क्योंकि वो उसको सोचने का मौका मिला अपनी प्रॉब्लम के बारे में, जो कंपोजिशन की प्रॉब्लम थी, और उसकी जो टैलेंट था राइटिंग में वो क्या होता चला गया, रिफाइन होता चला गया और ज्यादा अच्छा होता चला गया। लेकिन उसको इस बात का दुख था कि इसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसका लॉस हो गया एक डियरेस्ट फ्रेंड का, मिस्टर एनेग्नोस का लॉस हो गया इस एपिसोड के कारण। बाद में जब हेलन की ऑटोबायोग्राफी आई द स्टोरी ऑफ माय लाइफ और पब्लिश हुई, किसमें हुई, इन द लेडीज होम जर्नल में, तो मिस्टर एनेग्नोस ने एक लेटर लिखा एडिटर को, एडिटर ऑफ द जर्नल को। उन्होंने ये लिखा कि उस समय जब फ्रॉस्ट किंग का एपिसोड हुआ था वो विश्वास करते थे हेलन पर कि हेलन इनोसेंट है, और एनेग्नोस ने यह भी कहा कि जब कोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन था उसके सामने, जो हेलन के सामने था, हेलन को बुलाया गया था जिस कोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, उसमें 8 पीपल थे, 4 उसमें ब्लाइंड थे और 4 पर्सन ऐसे थे जो देख सकते थे। उनमें से 4 का ये मानना था कि जो कैनबी की स्टोरी है ना वो उसको पढ़कर सुनाई गई थी, लेकिन जो बाकी 4 थे वो ऐसा विश्वास नहीं करते थे। मिस्टर एनेग्नोस ने कहा कि मैंने अपना वोट उन लोगों के साथ दिया था जो हेलन के फेवर में थे। तो यहां पर ये जो चैप्टर नंबर 14 है वो एंड होता है।
और 15 चैप्टर में हेलेन डिस्क्राइब करती है अपने एक भयानक एक्सपीरियंस को जो किससे रिलेटेड था, द फ्रॉस्ट किंग से, फ्रॉस्ट किंग इंसिडेंट से। इस इंसिडेंट ने उसके माइंड पर बहुत ही गहरा असर छोड़ा। अब जो भी वो लिखती थी बड़ा ही केयरफुल होकर लिखती थी और एक विचार उसे परेशान करता रहता था कि जो मैं लिख रही हूं मेरे अपने ही थॉट हैं या नहीं है। इस डर को कोई और नहीं जानता था, सिर्फ उसकी टीचर मिस सुलिवन जानती थी और वो उसको कंसोल करने की कोशिश करती थी हर तरीके से। और उसका विश्वास वापस लाने के लिए, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए मिस सुलिवन ने उसको मना लिया कि हेलेन अपनी लाइफ के बारे में लिखेगी, एक ब्रीफ अकाउंट लिखेगी अपनी लाइफ का। हेलेन उस समय सिर्फ 12 साल की थी और ये वो वाला साल था, उसके बाद वाला साल था जिस साल फ्रॉस्ट किंग का इंसिडेंट हुआ था। हेलेन लिखती थी लेकिन वो थोड़ा फियरफुली लिखती थी, डर कर लिखती थी लेकिन पक्के इरादे से लिखती थी और उसकी जो टीचर थी लगातार उसे इंस्पायर करते रहती थी। जब तक कि फ्रॉस्ट किंग का इंसिडेंट हुआ था, एपिसोड हुआ था, तब तक हेलेन ने लाइफ जी थी एक लिटिल चाइल्ड की, लेकिन अब उसके जो विचार थे वो अंदर की तरफ मुड़ गए थे। अब वो इनविजिबल चीजों को भी समझ सकती थी। 1893 में जो हेलेन थी वो वाशिंगटन गई इनॉग्रेशन सेरेमनी देखने के लिए प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की, और उसने विजिट किया नायग्रा फॉल्स में भी, वहां पर विजिट किया मार्च में। जब वो वहां पर गई तो वो हैरानी के साथ भर गई जब उसने दहाड़ने वाली आवाज सुनी उस झरने की। वो उसकी वाइब्रेशन को फील कर सकती थी जो उस झरने के द्वारा हो रही थी। कुछ लोग ये नहीं समझ पाते थे कि कैसे एक डेफ एंड ब्लाइंड गर्ल एंजॉय कर सकती है ब्यूटी को और सुन सकती है म्यूजिक को उस झरने के, लेकिन हेलेन को लगता था वह उन लोगों को ये बातें नहीं समझा सकती, उनका मीनिंग नहीं समझा सकती, जैसे कि वो धर्म का, प्रेम का और नेकी का मीनिंग नहीं समझा सकती, ऐसे उनको ये नहीं समझा सकती कि वो कैसे एंजॉय करती है। 1893 की समर में हेलेन ने विजिट किया वर्ल्ड फेयर में अपने टीचर में सुलिवन के साथ और डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राम बेल के साथ। हर दिन अपनी कल्पनाओं में वो देखा करती थी, दुनिया के दूर दराज के हिस्सों से आई हुई अद्भुत चीजों को देखा करती थी, चमत्कार जो इन्वेंशन के, आविष्कारों के, जो खजाने थे उद्योग के और कला के, वो एक्चुअली उसने अपने फिंगर टिप्स के नीचे से गुजरते हुए देखे। हेलेन ने विजिट किया मिडवे प्लेसेंस में भी, वो भरा हुआ था नोवेल्टी से और इंटरेस्ट से, नवीनता से और रोचकता से भरा हुआ था। वहां पर उसने इंडिया देखा अपनी बुक्स का, वहां के विचित्र बाजारों में, वहां पे शिवा की मूर्तियां देखी और गणेश की मूर्तियां देखी। वहां पे उसने कैरो का भी मॉडल देखा जहां पे मॉस थी, मस्जिदें थी और लॉन्ग प्रोसेशन जुलूस होता था ऊंटों का। वहां पे उसने लैगून्स देखे वेनिस के। वहां से थोड़ी दूर पर उसने शिप देखा, वहां पे एक मॉडल था सेंटा मारिया का, उस शिप का जो कोलंबस का शिप हुआ करता था। कैप्टन ने उसे दिखाया कोलंबस का कैबिन और डेस्क भी दिखाया जिसके ऊपर एक रेत वाली घड़ी पड़ी हुई थी। ये जो स्मॉल इंस्ट्रूमेंट था उसने हेलेन को बहुत ही ज्यादा इंप्रेस किया। वहां पर हेलेन को परमिशन मिल गई कई चीजों को टच करने की जो डिस्प्ले में थी एग्जीबिशन में। हर चीज उसे आकर्षित कर रही थी, स्पेशली क्या चीज, जो फ्रांस के कांसे की मूर्तियां थी वो भी उसे बहुत ज्यादा आकर्षित कर रही थी। केप ऑफ गुड होप की एग्जीबिशन में उसने जानकारी प्राप्त की कि क्या प्रोसेस होता है माइनिंग डायमंड्स का, डायमंड की खादानों का, डायमंड को कैसे माइन किया जाता है। उसने ये भी सीखा कि कैसे पत्थरों को तोला, काटा और चमकाया जाता है। उसने धुले हुए पत्थरों में से जो असली हीरा होता है उसको भी खोजा। डॉक्टर ग्राम बेल उसके साथ हर जगह गए, वो उसको इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग में भी लेकर गए जहां पे उसने एक्सप्लेन किया टेलीफोन को, ऑटोफोन्स को, फोटोग्राफ्स को और दूसरे इन्वेंशन को एक्सप्लेन किया। डॉक्टर बेल ने उसे समझाया कि ये कैसे पॉसिबल होता है मैसेज भेजना ऑन वायर, वायर पर कैसे, तारों पर कैसे संदेश भेजा जाता है। उन्होंने विजिट किया एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी, मानव विज्ञान के डिपार्टमेंट में। वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी जब उसने टच किया पुराने मेक्सिको के, प्राचीन मेक्सिको के टूल्स को, औजारों को टच किया। वहां पर इजिप्टियन ममीज भी थी लेकिन वह उनको टच नहीं करना चाहती थी। इन चीजों से उसने बहुत कुछ सीखा। इस सारे समय के दौरान जो हेलेन थी, जो परियों की कहानी सुना करती थी और खिलौनों में इंटरेस्ट लेती थी, उसने अब यह सब कुछ छोड़ दिया और वो रियलिटी वर्ल्ड में आ गई, रियल वर्ल्ड में आ गई और वो रियल वर्ल्ड पर ध्यान देने लग गई। तो यहां पर चैप्टर नंबर जो 15 है वो एंड होता है।
तो चैप्टर नंबर 16 में हमें पता चलता है कि जो हेलन थी वो बहुत ज्यादा मेहनत करती थी अपनी स्पीच की प्रैक्टिस में और साथ साथ वो अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू किया करती थी। अपनी स्पीच को इम्प्रूव करने के लिए वो अपने जो फेवरेट पोएट होते थे उनके पैसे जोर जोर से पढ़कर सुनाया करती थी अपने टीचर मिस सलीवान को, और जो मिस सलीवान थी उसकी प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट किया करती थी। मिस सलीवान और हेलन उस समय हल्टन में थे पेंसिल्वानिया में जब वो मिस्टर आयरन से मिले। जब वो अपने एक दोस्त के घर गए थे मिस्टर विलियम वेड के घर, तो वो मिस्टर आयरन से मिले जो विलियम वेड के पड़ोसी थे, नेबर थे। जो मिस्टर आयरन थे वो एक बड़े ही अच्छे लैटिन के स्कॉलर थे। हेलन उनको डिस्क्राइब करती है कि वो एक रेयर और स्वीट नेचर के और बड़े ही ज्यादा एक्सपीरियंस वाले इंसान थे। जब मिस्टर आयरन ने सुना हेलन के एजुकेशन के बारे में और हेलन के बारे में, उन्होंने हेलन को अपना स्टूडेंट बना लिया। हालांकि जो मिस्टर आयरन्स थे हेलन को लैटिन ग्रामर मुख्य रूप से पढ़ाया करते थे, लेकिन वो उसकी अर्थमेटिक में भी हेल्प कर दिया करते थे। उन्होंने हेलन को लिटरेचर भी पढ़ाया, वो उसके साथ टेनिसन राइटर की मेमोरियम को पढ़ते थे। हालांकि हेलन ने उससे पहले काफी किताबें पढ़ी थी, लेकिन उसने कभी भी कोई बुक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ी थी। जो मिस्टर आयरन्स थे उन्होंने उसको सिखाया कि कैसे किसी ऑथर के स्टाइल को पहचानना है, कैसे उसकी शैली को पहचानना है। शुरू में जो हेलन थी वो अनविलिंग थी, वो उसकी इच्छा नहीं होती थी लैटिन ग्रामर पढ़ने की, क्योंकि वो सोचती थी कि ये बड़ी बेतुकी बात है कि टाइम वेस्ट करते रहना हर वर्ड पर जो उनके पास आता है, उसको जानना कि वो नाउन है, जेनेटिव है, सिंगुलर है या फेमिनाइन है। हालांकि जब वर्ड का मीनिंग बिल्कुल क्लियर होता है और प्लेन होता है, लेकिन जैसे जैसे वो डीपर जाती गई उस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट भी ज्यादा बढ़ता चला गया। अब उसे जो लैंग्वेज की ब्यूटी थी, जो सुंदरता थी, उसे बहुत ज्यादा खुश कर देती थी। मिस सलीवन हेल्प करती थी मिस्टर आयरन्स की हेलन को पढ़ाने में, वो साथ में बैठ जाती थी और लेसन को स्पेल किया करती थी हेलन के हाथों में, और मिस सलीवन नए नए वर्ड भी ढूंढा करती थी हेलन के लिए। तो यहां पे ये जो चैप्टर नंबर 16 है वो एंड होता है। तो चैप्टर नंबर 17 में हमें यह बताया जाता है कि 1894 में हेलन ने एक मीटिंग को अटेंड किया जो अमेरिकन एसोसिएशन की थी, और वो मीटिंग इसलिए हुई थी कि कैसे प्रमोट किया जाए द टीचिंग ऑफ स्पीच टू द डेफ। जो डेफ लोग होते हैं, बहरे लोग होते हैं, उनको जो सिखाया जाता है बोलना, उसको कैसे प्रमोट किया जाए। उसने ये मीटिंग अटेंड की चोटाकुआ में, चोटाकुआ एक जगह का नाम था, वेयर इट वॉज अरेंज, जहां पे ये अरेंज किया गया दैट शी शुड गो टू, कि हेलन को कहां जाना चाहिए, राइट होमसन स्कूल में जाना चाहिए जो डेफ के लिए था, जो बहरों के लिए था, न्यूयॉर्क सिटी में। हेलन वहां पर गई, मिस सलीवन के साथ गई। हेलन वहां पर भेजी गई उस स्कूल में इस पर्पज के लिए कि वो ऑब्टेन कर सके, प्राप्त कर सके, ज्यादा और ज्यादा एडवांटेज ले सके वोकल कल्चर में, बोलने में और लिप रीडिंग में। इसके अलावा, इन सब्जेक्ट के अलावा उसने वहां पर अर्थमेटिक पढ़ा, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी, फ्रेंच पढ़ी और जर्मन भी पढ़ी। तो वहां पर जो उसकी जर्मन की टीचर थी उसका नाम था मिस रिमी, राइट होमसन स्कूल में जो डेफ बच्चों को सिखाया करती थी जर्मन। तो वो जो टीचर मिस रिमी थी उनको मैनुअल अल्फाबेट भी आते थे, इसलिए वो हेलन को डायरेक्टली पढ़ा देती थी, उसे मिस सलीवन की जरूरत बीच में नहीं पड़ती थी, वो डायरेक्ट पढ़ा लेती थी क्योंकि उसे मैनुअल अल्फाबेट आते थे। तो कुछ ही महीनों में क्या हुआ, जो हेलन थी वो समझ सकती थी ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हर उस चीज को जो मिस रिमी ने, रिमी बोलती थी उसको वो समझ जाती थी। और बिफोर द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, जब पहला ईयर उसका खत्म हुआ, तो उसने क्या क्या पढ़ा, उसने विल्हम टेल को पढ़ा पूरे डिलाइट के साथ, खुशी के साथ। और वो हेलन कहती है कि मेरी प्रोग्रेस ज्यादा होने लगी जर्मन में, बाकी किसी और स्टडी में इतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, मेरी जर्मन में ज्यादा प्रोग्रेस इसलिए होने लगी क्योंकि जो मेरी जर्मन की टीचर थी उसे मैनुअल अल्फाबेट आते थे। लेकिन जो हेलन थी उसे फ्रेंच जो थी वो बहुत ज्यादा मुश्किल लगती थी। वो जो फ्रेंच की टीचर थी उसका नाम मैडम ओलिवियर था, वो एक फ्रेंच लेडी थी, लेकिन उनको मैनुअल अल्फाबेट नहीं आते थे। तो जो मैडम ओलिवियर थी उनको इंस्ट्रक्शन ओरली दिया करती थी हेलन को, हेलन पढ़ नहीं पाती थी उनके लिप्स को आसानी से, इसलिए जो हेलन की प्रोग्रेस थी जर्मन में वो बहुत धीरे से हो रही थी। हालांकि जो हेलन की प्रोग्रेस थी लिप रीडिंग और स्पीच में उसके टीचर को डिसअपॉइंट कर रही थी और उसे भी डिसअपॉइंट कर रही थी, निराश कर रही थी। तो हेलन कहती है शायद हमने ज्यादा ही बड़ा उद्देश्य रख लिया था, तो पक्का था कि डिसअपॉइंट होनी ही थी, इसलिए वो उनको डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी।
हेलन कहती हैं कि उन्हें फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता था, जो भूगोल पढ़ना है बहुत ही अच्छा लगता था। उन्हें बड़ा ही आनंद आता था ये सीखने में कि हवा कैसे बहती है, कैसे जो वेपर्स होते हैं, वाष्प होते हैं, कैसे ऊपर जाते हैं, कैसे जो रिवर है कट आउट कर देती है, काट देती है रॉक्स को, और कैसे इंसानों के तरीके हैं जो काबू पा लेते हैं नेचर की कई शक्तियों पर। और वो आगे ये भी कहती हैं कि हेलन और मिस सुलिवन रोज सैर किया करते थे सेंट्रल पार्क में, जो न्यूयॉर्क में था। उन्हें यहाँ पर घूमना बहुत ही अच्छा लगता था। वो दोनों वहां पर रोज जाया करते थे, और स्प्रिंग सीजन में क्या होता था, उन्होंने कई जगह घूमी इंटरेस्ट की। वो हडसन नदी में भी उन्होंने सेल किया, मतलब नौका में जाया करते थे, और वो उनके किनारों पर, हडसन नदी के किनारों पर, हरे हरे किनारों पर भी घूमा करते थे। और वो ये कहती है, जो राइट थॉमसन स्कूल था वहां के जो टीचर थे, वो हमेशा अपनी पूरी कोशिश करते थे कि बहरे स्टूडेंट हैं उनकी जो लाइफ है उनको अच्छी बना सकें, और उन लोगों की भी लाइफ अच्छी बना सकें जो सुन सकते हैं। हेलन ने वहां पर 2 साल बिताए न्यूयॉर्क में। उनके अनुसार वो 2 साल बहुत ही खुशियों वाले थे, लेकिन वहां से निकलने से पहले, न्यूयॉर्क छोड़ने से पहले, वो जो ब्राइट डेज थे वो डार्कन हो गए, अंधकार में हो गए, जब उन्होंने सुना कि डेथ किसकी हो गई है, उनके डियर फ्रेंड मिस्टर जॉन पी स्पॉल्डिंग की डेथ हो गई है, जो बोस्टन में रहते थे। हेलन कहती हैं कि उनकी जो डेथ थी वो बहुत ही बड़ा दुख था उनके लिए, सबसे बड़ा दुख था, एक्सेप्ट जब उनकी फादर की डेथ हुई थी उसको छोड़कर। तो हेलन के अनुसार जो मिस्टर स्पॉल्डिंग थे, जो हर एक को बहुत ही ज्यादा खुश रखते थे और बड़े काइंड थे, टेंडर थे उसके प्रति और मिस सुलिवन के प्रति, और उनका जो दुनिया से जाना था एक ऐसा खालीपन छोड़ के गया था जिसको शायद कभी भरा नहीं जा सकता। तो यहां पे जो चैप्टर नंबर 17 है वो एंड होता है। तो चैप्टर नंबर 18 में हमें पता चलता है कि 1896 में जो हेलन थी उसने एनरोल किया, दाखिला लिया कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज में। इसलिए एडमिशन लिया क्योंकि वो प्रिपेयर करना चाहती थी, तैयारी करना चाहती थी अपनी एंट्रेंस के लिए रेडक्लिफ कॉलेज के। वो रेडक्लिफ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी, तो उसकी तैयारी के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज स्कूल में एडमिशन लिया। जो कैम्ब्रिज स्कूल में उनका फर्स्ट ईयर था, तो हेलन ने क्या पढ़ा, इंग्लिश हिस्ट्री पढ़ी, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, जर्मन पढ़ा, लेटिन पढ़ा, अर्थमेटिक पढ़ा और लेटिन कंपोजिशन भी पढ़ी। अभी तक जो हेलन ने कभी भी पढ़ाई की थी वो इस आइडिया के साथ नहीं की थी कि वो कॉलेज में एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। अब उनको तैयारी करनी थी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। हेलन जो थी इंग्लिश में पूरी ट्रेन हो चुकी थी, क्योंकि उनकी टीचर ने, मिस सलीवन ने उन्हें इंग्लिश में बहुत ज्यादा ट्रेन कर दिया था। जो कैम्ब्रिज स्कूल के टीचर थे उन्होंने रियलाइज किया कि हेलन को किसी भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है इंग्लिश में, सिर्फ उन्हें क्रिटिकल स्टडी करनी है बुक्स की जो कॉलेज में लगी हुई है। क्यों, हेलन जो थी उनकी गुड स्टार्ट हुई फ्रेंच में, उन्होंने 6 मंथ का इंस्ट्रक्शन ली लैटिन में भी, लेकिन जर्मन एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसके साथ वो बहुत ज्यादा फेमिलियर थी। लेकिन जो कैम्ब्रिज स्कूल के टीचर थे उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था पढ़ाने का ऐसे स्टूडेंट्स को, हेलन जैसे जो ब्लाइंड हो और डेफ हो। इसलिए जो मिस सलीवन थी उसकी टीचर, उनको अटेंड करना पड़ता था हर क्लास हेलन के साथ, और स्पेल आउट करना पड़ता था लेक्चर को, हेलन के हाथों में लिखना पड़ता था। और एक मुश्किल और भी थी कि उस समय जो टेक्स्ट बुक थी एम्बोस्ड वाली, जो उभरे हुए वर्ड वाली, वो नहीं मिली टाइम से हेलन को। इसलिए जो हेलन थी वो नोट नहीं बना सकती थी क्लास में, लेकिन वो सब अपनी कॉम्पोजिशन को लिखा करती थी और ट्रांसलेशन को लिखा करती थी घर आकर अपने टाइपराइटर पर। और जो मिस सलीवान थी उनको पढ़ना पड़ता था और फिर दोबारा पढ़ना पड़ता था नोट्स, और वो किताबें जो हेलन के पास नहीं थी, रेज्ड प्रिंट में नहीं थी, एम्बोस्ड नहीं थी। उस स्कूल में हेलन के जर्मन टीचर फ्राउग्रोट और उस स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर गिलमैन, वही दो ऐसे टीचर थे जिन्होंने मैनुअल अल्फाबेट सीखी थी हेलन को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। जो मिस्टर गिलमैन थे वो इंस्ट्रक्ट किया करते थे हेलन को इंग्लिश लिटरेचर में। उन दोनों ने मिलकर पढ़ी थी एज यू लाइक इट और बर्क की पढ़ी थी बुक स्पीच ऑन कंसिलेशन विद अमेरिका, और मैकाले की पढ़ी थी लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। जो मिस्टर गिलमैन का इतना ज्यादा ब्रॉड व्यू था हिस्ट्री का और लिटरेचर के बारे में, और उनकी जो क्लेवर एक्सप्लेनेशन थी उसने हेलन के वर्क को बड़ा ही इजी कर दिया और प्लेजेंट बना दिया।
और कैम्ब्रिज स्कूल में ये पहली बार था कि हेलन ने एंजॉय किया था साथ को, संगति को, कंपेनियनशिप को उन लड़कियों की जो सुन भी सकती थी और देख भी सकती थी और उसकी अपनी एज की थी। वो कई लड़कियों के साथ रहती थी एक अच्छे से घर में जो कनेक्टेड था स्कूल के साथ। ये घर हुआ करता था जहां पर मिस्टर विलियम डीन हाउस रहा करते थे। हेलन ज्वाइन करती थी गर्ल्स को उनकी काफी गेम्स में। वो लंबी लंबी सैर के लिए जाया करती थी उन लड़कियों के साथ। वे डिस्कस किया करते थे अपनी स्टडीज को और जोर जोर से पढ़ा करते थे जिनमें उनको इंटरेस्ट आता था। कुछ लड़कियों ने तो हेलन की लैंग्वेज सीख ली थी, इसलिए मिस सलीवन को रिपीट नहीं करना पड़ता था उन लड़कियों की कन्वर्सेशन को। और क्रिसमस में क्या हुआ, जो हेलन की मदर थी मिस केलर और उसकी जो छोटी सिस्टर लिटिल सिस्टर मिल्ड्रेड थी, वो छुट्टियां बिताने के लिए उसके पास आए, हेलन के पास। और जो मिस्टर गिलमैन प्रिंसिपल थे, उन्होंने ऑफर किया कि मिल्ड्रेड भी इसी स्कूल में स्टडी कर सकती है। इसलिए जो मिल्ड्रेड थी वो भी वहां पे रुक गई कैम्ब्रिज में। तो जब हेलन याद करती है तो वो कहती है कि मुझे बहुत खुशी होती है ये याद करके उस टाइम की जो हमने इकट्ठे बिताए थे, एक दूसरे की हेल्प करते हुए पढ़ाई में और शेयर करते हुए अपने रिक्रिएशन को, अपने मनोरंजन को। हेलन ने जो अपना प्राथमिक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन था रेडक्लिफ कॉलेज के लिए, वो 29 जून से 3 जुलाई तक दिया 1897 में। जो उसको सब्जेक्ट ऑफर किए गए थे वो एलिमेंट्री और एडवांस जर्मन थे, फ्रेंच थे, लेटिन थी, इंग्लिश थी और ग्रीक एंड रोमन हिस्ट्री थी। वो हर सब्जेक्ट में पास हो गई और उसको ऑनर मिला जर्मन और इंग्लिश में। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 18 है वो भी एंड होता है। आई होप स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल द लेसन्स। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टू क्लिक द लाइक बटन। थैंक यू।